पुल डोडा में हमें बहुत अच्छा घर था। हमने वहाँ 20-25 साल हमने वहाँ पे उस घर को बनाया, उसको सवारा, उसकी एक एक चीज़ों को हमने सजाया सवारा। लेकिन बाद में जब हमें वहाँ से उठना पड़ा तो काफ़ी मुश्किल हुआ हमें वो, जब वो हमारा घर वहाँ उजड़ गया। 2008 में जब पुल डोडा सबमर्ज हुआ तो हमारे पास बिजनेस का कोई भी सिला नहीं रहा। इतने तक नौबत आ गई कि खुदकुशी करने के भी 3 बार सोचा गया कि खुदकुशी करके ही अपनी ज़िंदगी को समाप्त किया जाए। आज से 12 साल पहले पुल डोडा में मेरी मेडिकल शॉप थी और बहुत अच्छा काम था। 10-12 हज़ार रुपये सेल थी, कारोबार भी बहुत अच्छा था। अब बिल्कुल ही बेकार हैं, लाइबिलिटियाँ इतनी हैं। तब माल आता था, सेल करते थे, आड़तियों को पैसा भेजते थे। अब सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। अब मामूली सा एक पुल पे खोखा जैसा बनाया है जहाँ चाय और पकोड़े का काम कर रहे हैं। उसमें भी इतनी दिक्कतें आई, कभी उसको दिन शाम को बनाना, सुबह तोड़ दिया जाता था। तो इतनी मुश्किल के साथ अब उसको स्टैब्लिश किया है, अब उसी से घर का पालन पोषण कर रहे हैं। अब और कोई तो बचा ही नहीं है कि अब हम आगे क्या करें। पुल डोडा जाने के बाद हमें बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हमारा घर जो था वो उजड़ गया, मेरे भाई की पढ़ाई डिस्ट्रॉय हो गई, मेरे पिताजी दुकान करते थे वो ख़राब हो गई, मैं खुद जॉब करती थी वो भी ख़त्म हो गई। तो उसके बाद मुझे बहुत ही डिप्रेशन होने लगा। बहुत सारी दवाइयाँ मैं है जो डिप्रेशन की मैं अभी खा रही हूँ। गवर्नमेंट ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। 12 साल से हम इतनी बड़ी दुकान करते थे, बीच बस स्टैंड में हमारी दुकानें होती थी। तो गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि आपको, जब हमें 2008 में उठाया, बोलने लगे आपको रिहैबिलिटेट करेंगे, उसके बाद आपको शॉप के बदले शॉप मिलेगी। 12 साल हो गए हमें, अभी भी हम दरिया के पास रह रहे हैं, पता नहीं है कब क्या हो जाए। यहाँ पे हमने एक मिट्टी का घर किराए पे लिया है, वो भी दूसरे का है, एक रिश्तेदार का है जो हमें दिया हुआ है, और वो कभी भी आ सकते हैं। और हमें यहाँ से भी जाना पड़ेगा दूसरी जगह शिफ्ट होने, जितने कि वहाँ पे हमारे 5 रूम थे, यहाँ पे 1 रूम है, तो हमें अब वहीं गुजारा करना पड़ रहा है। हमें सब फैमिली को एक ही रूम में रहना पड़ रहा है। किचन हमने बाहर बनाया हुआ है, बाथरूम भी एक टेम्परेरी बाथरूम है, ना कोई फैसिलिटी है, ना गीज़र है, ना कुछ है, एकदम से सिंपल है। ये गांव भी बहुत ही अभी बैकवर्ड है, यहाँ पे अभी रोड की फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। आज 2-3 दिन से यहाँ बिजली नहीं है, क्योंकि तार गिर गई थी ना, तो बड़ी तकलीफ़ आती है बिजली के बगैर, बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे हमें। एक तो यहाँ पे बड़ी ही ऐसे भी प्रॉब्लम है, तो बिजली के बगैर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। अब आए हैं ठीक करने वाले, शायद अब शाम तक बिजली मत हो जाए। दो हज़ार आठ में जब पुल डोडा सबमर्ज हुआ तो हमारे पास बिजनेस का कोई भी सिला नहीं रहा। इतने परेशान हो गए, जो आड़ती थे हमारे, जिनसे हम माल लिया करते थे, वो घरों में आने लगे। और इतनी बुरी हालत, कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि वो महीने में 20-20 दिन हमारे घरों में आने लगे। जहां हम मिलते वहां पकड़ते, हमारा पैसा दे दो, हमारा पैसा दे दो। इतने तक नौबत आ गई कि खुदकुशी करने के भी 3 बार सोचा गया कि खुदकुशी करके ही अपनी ज़िंदगी को समाप्त किया जाए। फैमिली को देखते हुए फिर भी ज़िंदगी जीने का हौसला आया। शायद
कोई अच्छा पल आए जो हमें खुशियां दे। यहाँ पे जो ही हम आए तो एकदम से बीमारियों का सैलाब आ गया। पापा को शुगर हो गया, मम्मी को पहले से ही अस्थमा था, हाल ही में उनको जो है हार्ट अटैक आया। उसके बाद हमें यहाँ से जाना पड़ा, जम्मू में शिफ्ट किया, उन्हें रेफ़र किया कि आप जम्मू में जब इलाज करो। वहाँ पे देखा तो किडनियों में भी प्रॉब्लम थी, पानी फेफड़ों में पानी चला गया था, हार्ट में अटैक था, रगों में इतनी ब्लॉकेज थी कि हद से ज़्यादा थी, तो काफ़ी दिक्कत का सामना हमें करना पड़ा बीमारी की वजह से। कौन से अपने गांव में जाने के लिए, वो भी इस वक्त यानी कि रात को, जहां धूप अंधेरा हो चारों तरफ, उसे पैसे बाबा की उम्मीदवार करियो आराम। जब 10-10 रुपए के लिए मेरे पीछे खड़े हुए लोग मोहताज हो तो भाई ठीक है ठीक है। कुछ भी ठंडा या गर्म जब दांतों की नसों पर लगेगा, उन नसों पर क्या सो अच्छी आज क्या सोला ये कैप्सूल खैर खा शाम को बजरे फ्लाई आम दिजात की कल मोर का 21 जून 6 बजे हस्ती डूल हस्ती प्राजक्त का पानी बुलडोडा में छोड़ बुलडोडा के लिए छोड़ना है, जिसमें कि कम से कम 3 मीटर सड़क से ऊपर आने का अंदाजा है। इसलिए बुलडोडा रहने वालों से लोगों से गुजारिश की जाए कि दरिया के किनारे कोई रेड़ी कोई गाड़ी कोई आप खुद को बचाएं, कोई भी जो खिलाफ अर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। म्यूनसिपल्टी तक की तरफ से भी एक बुनियादी हो गई कि जल्दी से जल्दी दुकानें मकान खाली करो, पानी इतना चढ़ गया है कि अब जीना मुश्किल हो गया, हर रोज़ हमारे दरवाज़ों तक पानी पहुंच गया, अब तो पुल वगैरह सारे डूब गए हैं, अब दुकान का तो मुश्किल ही है, ऊपर से पत्थर लाइट स्टैंडिंग होती है, दूसरी तरफ से पानी तो अब तो बहुत ही जीना मुश्किल हो गया है, अब क्या करें कोई समझ नहीं आ रहा। आज तेमिन सिटी दवा की मैं और ओडिटी बड़ा उसमें आख टिक्या हुआ वही गए थे सुबह तो शाम आते हैं वही सिटी सुबह सिटी उनके सुबह तो शाम आज भी किया मैं रात से गाड़ पर गुना जा रहा हूँ वही शुगर ब्याक स्टेज गए शुरू हुई है वही चीनी दवा से असर की न करना कम ठीक है कमजोरी है कमजोरी से वारत से काम रह जाए Thank you.
कैसी रहती है? चिंता चुका है। अभी हम पापा ने छिन्नू को आइसक्रीम लेके देंगे। पहले तो इतनी अच्छी जिंदगी थी, सोचा था कि बच्चों का अच्छा फ्यूचर होगा, और मैंने सोचा था कि आपने इस बेटी को मैं अभी DPS में डालूंगा और इसकी हायर एजुकेशन होगी। तो बहुत सपने संजोए थे, मगर अब भगवान को जो मंजूर होगा वही करना है। बस देखते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। हाल ही में एक उम्मीद की किरण हमारे घर में दिखाई दी। मेरे छोटे भाई को एक प्रोजेक्ट में एक छोटी सी जॉब मिली, 6-7 हज़ार रुपये उनकी तनख्वाह है, तो उसी से अब अपना घर गुजारा चलाएंगे। बाकी तो बस खुदा के हाथ में है सारा, और हम अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि कैसे हम जी रहे थे तो और कैसे जी रहे हैं अब।